नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस प्रेस स्टूडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज सराफा बाजार में 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार सोने और चांदी का क्या भाव चल रहा है, और इसी के साथ में आज की कुछ काम की मुख्य समाचार की बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। तो सारी खबरों को हम फटाफट से जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारी मेहनत का फल होता है। चलिए तो आज की पहली खबर है, 4 रुपए लीटर सस्ता हुआ मदर डेयरी का दूध, इन शहरों में घर तक पहुंचेगा दूध। जी हां दोस्तों, अगर आपकी फैमिली में मदर डेयरी का दूध उपयोग में लिया जाता है तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल मदर डेयरी ने अपने दूध की कीमत में 4 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता कर दिया है, और यह फायदा उन लोगों को मिलेगा जो बिना पैकेट वाले दूध खरीदेंगे। यानी कि दोस्तों, अगर आप मदर डेयरी का खुला दूध लेते हैं तो आपको 4 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार प्लास्टिक को देश भर से बैन करना चाहती है, और इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मदर डेयरी ने यह बड़ा कदम उठाया है, जिसमें आपका भी फायदा होगा। चलिए दोस्तों, तो अगली खबर है, महंगाई के साथ शुरू हुआ अक्टूबर का महीना, इतने रुपए बढ़ी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल के बाद सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। अक्टूबर महीने के पहले ही दिन कंपनियों ने जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत में 15 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब आपको 14.2 किलो के बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत 605 रुपए चुकानी होगी। चलिए दोस्तों, तो अगली खबर है, डिमांड सुस्त होने की वजह से टीवी कंपनियों ने 30% तक घटाए दाम। या दोस्तों, अगर आप भी टेलीविजन LCD LED खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। फेस्टिवल सीजन में सुस्त डिमांड की वजह से टेलीविजन कंपनियों ने कीमतों में अब तक की सबसे बड़ी कटौती की है। कड़े कॉम्पिटिशन के बीच में कंपनियों ने टीवी की कीमत में 30% तक की कटौती की है। आपको बता दें कि सैमसंग, LG, सोनी जैसी कंपनियों ने कीमतों में 40,000 रुपए तक की कटौती की है। चलिए तो अगली खबर है, फेस्टिवल सीजन में समय रहते ATM से निकाल लीजिए पैसा, इस महीने 11 दिन बंद रहेंगे बैंक। जहां दोस्तों, अक्टूबर का फेस्टिवल सीजन महीना शुरू हो चुका है, तो इस महीने में दिवाली भी है, तो ऐसे में 11 दिनों तक बैंक की छुट्टियां रहने वाली। 7 और 8 अक्टूबर को रामनवमी और दशहरे के कारण बैंक का कामकाज नहीं होगा, और इससे पहले 6 अक्टूबर को रविवार है, और इसी के साथ में दिवाली, भाई दूज जैसे त्योहारों को मिलाकर कुल 11 दिनों तक बैंक बंद रहने वाले हैं। ओके, तो बैंक से जुड़ा हुआ कुछ भी कामकाज हो तो जल्दी से निपटा लेना। चलिए तो अगली खबर है, कॉर्पोरेट टैक्स के बाद मिडिल क्लास की बारी, दिवाली से पहले इनकम टैक्स में मिल सकती है छूट। जी हां दोस्तों, अर्थव्यवस्था की धीमी पड़ी रफ्तार को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार बीते कुछ समय से लगातार बड़े कदम उठा रही है। हाल ही में सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स दरों में कटौती करने का फैसला कर लिया है, और इसी के बाद में अब सरकार इनकम टैक्स यानी कि पर्सनल इनकम टैक्स को भी कम करने वाली है, जिससे आम आदमी का भी विकास हो सकेगा। चलिए तो अगली खबर है, मोदी सरकार ने लॉन्च की बांस की बोतल, जानिए कीमत और खासियत के बारे में। जी दोस्तों, केंद्र सरकार 2 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने वाली है। प्लास्टिक की बोतलों को बंद करने के बाद सरकार ने इसके लिए नया विकल्प भी खोज लिया है, और इसके विकल्प के रूप में MSME मंत्रालय के अधीन कार्यरत खादी ग्रामोद्योग ने बांस की बोतल का निर्माण किया है, जो कि प्लास्टिक की बोतल की जगह इस्तेमाल में ली जाएगी। चलिए तो अगली खबर है, 500 टन प्लास्टिक कचरे से बनेगा 100 किलोमीटर का लंबा हाईवे। जी हां दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में रोजाना 25,940 टन प्लास्टिक का कचरा पैदा होता है। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस कचरे का करने का क्या, और इसी वजह से सरकार जो है 2 अक्टूबर से प्लास्टिक को बैन करने वाली है। लेकिन सरकार अब इस प्लास्टिक का उपयोग नेशनल हाईवे बनाने में करेगी। जी हां दोस्तों, 270 किलोमीटर लंबे जम्मू और श्रीनगर के बीच में नेशनल हाईवे बनाने के लिए प्लास्टिक के कचरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अपने आप में एक अनोखी पहल है, है ना। तो चलिए अगली खबर है, जियो ने दिया दिवाली का तोहफा, सिर्फ 699 रुपए में मिलेगा जियो का फोन। जी हां दोस्तों, रिलायंस जियो दिवाली के अवसर पर अपने ग्राहकों के लिए एक खास ऑफर लेकर आया है, जिसका नाम है जियो फोन दिवाली 2019 ऑफर, और इस ऑफर के तहत आपको मात्र 699 रुपए में जियो का फोन मिल जाएगा। चलिए तो बात करें 22 कैरेट के अनुसार गोल्ड प्राइस की, तो 1 ग्राम के अनुसार 3,620 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 28,960 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 36,200 रुपए, और 100 ग्राम के अनुसार 3,62,000 रुपए 22 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। वही बात की जाए 24 कैरेट के अनुसार गोल्ड प्राइस की, तो 1 ग्राम के अनुसार 3,800 रुपए, प्रति 8 ग्राम के अनुसार 30,400 रुपए, और 10 ग्राम के अनुसार 38,000 रुपए। वही बात करें 100 ग्राम की, तो 3,80,000 रुपए 24 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। चलिए तो बात करें बड़े शहरों में गोल्ड प्राइस की, लेकिन इससे पहले आपके लिए एक छोटा सा सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि भारत में डाक टिकट किसने प्रारंभ किए थे। जवाब नीचे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग इसका सही जवाब देंगे उनके नाम यहाँ पर रैंडमली प्रकाशित किए जाएंगे, और भेजे सकते हैं गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर और इसी के साथ में पेटीएम कैश भी। चलिए तो बात करें भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार गोल्ड प्राइस की, तो देख सकते हैं चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस दी गई है। वही बात करें चांदी के भाव की, तो सबसे बड़ी गिरावट चांदी के भाव में देखने को मिली है। 600 रुपए टूटकर चांदी का आज का ताजा भाव 45,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा है।